लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे टेम्पो की। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का जो टेम्पो है आई हैव कैप्ड इट एज 140। नाउ जो टेम्पो होता है वो एग्जैक्टली हाफ होता है व्हाइल यू आर क्रिएटिंग ए ट्रैप म्यूजिक। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या आप जानना चाहते हैं मोर अबाउट इट, सो प्लीज़ वॉच दी रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स जो कि 1, 2, 3, 4 इस सीरीज़ में मैंने पब्लिश किए थे, उनमें आपको सारी डिटेल जो है वो मैंने दी थी। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, एक मिडी क्लिप बनाएंगे एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द बीट। और ये सारे सैम्पल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिए ही हैं, पर साथ ही मैं इनको एक बार प्रीव्यू करा देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन से हम सैम्पल्स यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद किक, उसके बाद एक स्नेयर, देन हाई हैट, देन एक क्लैप एंड देन एक और टाइप की स्नेयर। तो बीट मेकिंग इट्स वेरी वेरी सिंपल इनिशियली, अगर आप थोड़ा सा रिदम को समझने की कोशिश करें। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने मेट्रोनॉम को एक दो बार ड्राई रन करूँगा, मतलब उसको खाली प्ले करूँगा ताकि मेरे माइंड में कुछ एक बीट क्लिक हो या मुझे कुछ आइडियाज़ आएँ। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किक से। तो यहाँ पर स्नेयर आएगी मेरी, तो एक और किक यहाँ पे लगाएंगे, लेट्स ट्राई दिस। हमने ट्रिपल टाइम्स जो है किक को यूज किया है। अब इसको हम डबल कर लेंगे यहां से एंड देन जो सेकंड टाइम में हमारा बीट होगा उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसे हमें। ओके तो किक और जो स्नेयर के पैटर्न्स हैं वो मुझे ठीक लग रहे हैं यहाँ पर। नाउ वी विल ट्राई टू क्रिएट सम हाई हैट के रोल्स। सो मैं इसको रिपीट कर दूंगा यहाँ से और उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ट्रांजिशंस लेके आएंगे, लाइक तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको चेंज करेंगे इसके लेआउट को 132 पर 1/32 एंड यहाँ पर वी कैन जस्ट हाफ द साइज एंड देन उसके बाद इसको पूरा यहाँ तक कवर कर देंगे एंड देन लेट्स हियर इट नाउ। तो यहाँ तक मेरा एग्जैक्टली हाफ बनता है, तो मैं क्या करूँगा बाकी के जो हाई हैट के रोल्स हैं यहाँ तक इनको मैं करूँगा डिलीट यहाँ से एंड देन जो फर्स्ट पैटर्न था उसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा सेकेंड टाइम्स। So now let's hear everything. तो ये हमने एक बेसिक सी बीट यहाँ पर क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर 808 बेस, और 808 बेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आपके पास अगर कोई VST प्लगइन है 808 का तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई डू इट ऑल द टाइम बिकॉज मेरे लिए बहुत हैंडी होता है। सेकंड, आप यूज़ कर सकते हैं 808 का सैम्पल, और वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है उस सैम्पल पैक में जो आप डाउनलोड करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ बेस इन F, और मैं इसको यूज़ करूँगा ऑन ए ऑडियो ट्रैक जस्ट टू शो यू कि अगर आपके पास सैम्पल भी है तो भी आप उसे किस तरह से पैटर्न्स क्रिएट करेंगे एंड देन हाउ यू गिव सम लाइफ टू द 808s। सो सबसे पहले मैं अपने सारे ट्रैक्स को यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लूँगा, मे बी स्टार्ट फ्रॉम दिस, ताकि मुझे पीछे थोड़ा रूम मिल जाता है यहाँ पर। तो अब क्या करना है कि इसको हमने जो फर्स्ट स्नेयर का जो साउंड आएगा, हमने कोशिश करनी है कि स्नेयर का जहाँ पे साउंड है वहाँ पर मेरी 808 की बेस को मुझे बंद कर देना है या कट कर देना है। एंड इनिशियली जहाँ पर मेरी किक है वी विल डू दी बेसिक साइड चेनिंग। अभी ये प्रॉपर साइड चेनिंग नहीं है, पर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फेड इन दिस अमाउंट जहाँ पर मेरी किक है। जैसे कि इसको आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो यू कैन सी कि मेरा किक का जो पोर्शन है वो इतना है। सो मैं क्या करूँगा, अपनी 808 को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा ताकि मेरी किक को जगह मिले
एंड देन इट साउंड्स रियली गुड एंड वेल बैलेंस्ड। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर भी हल्का सा इसको फेड आउट कर दिया ताकि टिक के साउंड्स ना आए, एंड देन तो जहाँ पर मेरा स्नेयर का साउंड आया फर्स्ट एग्जैक्टली वहाँ पर मैंने बेस को बंद कर दिया। देन अगेन वी विल कॉपी इट एंड पुट इट ऑन द सेकेंड किक। देन इसको हम करेंगे डुप्लीकेट यहाँ से, मे बी इसको डिलीट कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट हिडन ट्रायल्स, आपको सुनने में अच्छा लगना चाहिए, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर बेस होनी चाहिए वहाँ पर रखिए, एक्सेप्ट दी स्नैर्स। फिर यहाँ से क्या होगा कि मेरी दोबारा से बेस चली जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्नेयर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर लेट्स ट्राई टू डू सम ट्रांजिशन। अब मैं थोड़ी सी जान लेके आऊँगा अपने 808 के अंदर, बिकॉज अभी इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो व्हाट वी कैन डू इज डबल क्लिक ऑन योर 808, गो टू दिस टैब एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है क्लिप एंड देन सेलेक्ट दी ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक डॉट बनाएंगे यहाँ पर, एक बीच में एक लास्ट में, एंड देन लेट्स डू इट ट्रांसपोज अप। और उससे पहले हमें मेक श्योर करना है कि दिस एल्गोरिदम इज़ ऑन कॉम्प्लेक्स प्रो नॉट ऑन बीट्स। ओके नाउ जब हम यहाँ पे ये पैटर्न हमने क्रिएट किया, लेट्स हियर इट। ठीक है, तो जो बिल्कुल रूखी सी लग रही थी, नाउ इट हैज सम इफेक्ट। सेकंड वाली को मे बी वी कैन डाउन पिच। ओके जैसा कि हमने पहली वाली को किया था, हमने अप किया था उसको, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करेंगे। ओके सो एंड ये वाली जो सैंपल्स हैं यहाँ पर केस को लेट्स डू इट 3, यहाँ पर हम 3 पे, एंड देन इसको हम पिच कर देंगे 5th नोट पर लाइक दिस, मेक इट एज कॉम्प्लेक्स प्रो एंड देन यू हैव दिस। मे बी इस स्नेयर के बाद हम एक बेस यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं, ओके लेट्स डू दिस साइड चेनिंग हेयर ऑल्सो। इस वाली जगह पे हम वी कैन ट्राई समथिंग रैंडम, जैसे मैं इसको यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर लेंगे थोड़ा सा। आई एम जस्ट ट्राइंग रैंडमली, ऐसा कुछ प्लान नहीं है ये। मे बी यहाँ तक, वी कैन कॉपी द सेम फ्रॉम द सेकेंड यहाँ से। तो हमने क्रिएट कर लिया है एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन अपनी बीट के लिए। नाउ इसके बाद ईजीएस्ट थिंग टू ऐड इज एनी सिक्वेंशियल आर्पेजिएटर, मे बी प्लग के साउंड या कुछ और अगर आपके पास है। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज सीरम यहाँ पर। एंड देन सीरम के अंदर कुछ जो डिफॉल्ट साउंड्स हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे। एंड नाउ आई विल एड दिस सीक्वेंस एंड इट इज़ वेरी सिंपल, मुझे सिर्फ एक की प्रेस करनी है F एंड देन पुट इट इन लगैटो मोड एंड देन वी हैव इट। उसके बाद वी कैन एड सम स्टैब्स, मे बी हॉर्न के साउंड्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं।
एंड इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी साइड चेनिंग करनी होगी, लाइक वी विल फेड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस टैब, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एंड देन रिड्यूस द वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर आएगा, ओके, सो दो बार इसको रिपीट करेंगे हम। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ और साउंड्स यहाँ पर ऐड करने की, ताकि ये बीट जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। सो ऑलरेडी हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, लेट्स ट्राई टू ऐड सम मोर साउंड्स। आई एम यूजिंग साइलेंट वन दिस टाइम एंड वी आर द एफ की, सो so this is the default arpeggiator, let's try to use it। तो मैं एक क्लिप क्रिएट करूंगा एंड देन इसके बाद आई विल सिंपली पुट इट इन टू द लेगाटो एंड इसको थोड़ा सा पैन कर देते हैं, जस्ट टू मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। जो हमारा सीरम का पैच था उसको लेफ्ट में कर देंगे, इसको थोड़ा सा राइट में। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, थोड़ा सा एक साइड चेन मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। हालांकि इसको मैं सेपरेट ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला था, बट आई विल मेक सम क्विक साइड चेन टू मेक द साउंड्स लिटिल बिट क्लियर एंड देन उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल को एंड कर देंगे यहाँ पर। सो साइड चेन के लिए मुझे सिर्फ चाहिए किक एंड स्नेयर का साउंड, और इसको मैं यूज करूँगा एज अ रेफरेंस ट्रैक, REFI रेफरेंस, एंड देन इसको एक डिफरेंट कलर दे देते हैं, मे बी दिस वन एंड देन इससे हम सारे ट्रैक्स को साइड चेन करेंगे। सो वी डोंट हैव टू साइड चेन द मेन ड्रम ट्रैक, ऑफकोर्स हम किक के ऊपर जाएंगे। एक यहाँ पर कंप्रेसर हम अप्लाई करेंगे जो कि स्टॉक कंप्रेसर है, एंड देन इसको हमने करना है साइड चेन। सो साइड चेन करने के लिए क्लिक ऑन दिस एरो, साइड चेन मैं करूँगा रेफरेंस से, एंड देन ट्राई टू डिक्रीज दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू। एंड सेम चीज़ को आप कॉपी करके ले जाएंगे अपने बाकी के ट्रैक्स के ऊपर, जहाँ पर भी आपने जो भी फैक्ट लगाया है या जो मेलेडी बनाई है, यू हैव टू साइड चेन बेसिकली एवरीथिंग। नाउ लेट्स हियर दिस। सो इट हैज़ गॉट द क्लैरिटी नाउ, जहाँ पर मेरी किक है वो किक क्लियर सुनाई दे रही है, एंड आई थिंक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक हमें स्टॉप कर देना चाहिए। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, बिकॉज इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है, लाइक कॉर्ड्स, मेलेडी एंड अदर थिंग्स। सो वो जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें आने वाला है ऑलरेडी। सो बीट हमारे पास तैयार हो गई है, और इसी सेम प्रोजेक्ट को मैं यूज़ करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके साथ कुछ अलग करेंगे, मतलब इसके अंदर कुछ और ऐड करेंगे। एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ नॉलेज मिली है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इस सीरीज को कंप्लीटली शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी, सो प्लीज डू दैट, इट विल हेल्प मी अलॉट। सो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय।